दिनों हो गया मैं स्विमिंग पूल नहीं गया, तो जाके थोड़ा बहुत कैलोरीज बर्न करेंगे थोड़ा। कल रात को ही मैं कौन कौन से कपड़े लेके जाना सब कुछ रेडी करके रख दिया था, सो दैट आई कैन पैक इन द मॉर्निंग सून। चमत्कार करेंगे कुछ। लैपटॉप के अंदर रख दिया मैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। सो अभी ये सब लगेजेस जो है कार में रखना है, उसके बाद निकल जाएंगे। आई केम टू सिंधनूर, घर पे ऑलरेडी 7 से 8 पार्सल्स आ गए। इसी ब्लॉग में मैं जो भी पार्सल्स है इसी ब्लॉग में मैं सब अनबॉक्स कर दूंगा। लेट्स सी, कुछ इंटरेस्टिंग आया तो आप लोगों को दिखा दूंगा। नए क्या से थोड़े बहुत पार्सल्स आए, लेंसकार्ट से आया है, फिर उसके बाद अमेजोन से आया, फ्लिपकार्ट से आया। मस्कर भाई, मस्कर। घर पे तो अभी कोई नहीं है, तो भैया के घर पे डिलीवर करने बोला मैं, उधर जाके सब कलेक्ट करके आप अनबॉक्स कर देंगे। सो अभी हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ क्लब मेंबर्स को छोड़ते, मुझे पता नहीं मेरे को अलाउ करेंगे या फिर नहीं। उधर जाके मैं अंडरग्राउंड वाटर शूट करूंगा, कट कर देंगे। चलो भाई चलते हैं। जब मैं छोटा था सिंधनूर में कई सारे स्विमिंग पूल्स विजिट किया था, बट वो सब अभी है वॉश आउट। ये नया स्विमिंग पूल है, इसके बोलने के हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही क्लीन है। लेट्स सी, उधर जाके देखेंगे, इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत दिनों हो गए मैं स्विमिंग पूल नहीं गया, उधर जाके थोड़ा बहुत कैलोरीज बर्न करेंगे, थोड़ा टम भी जाएगा, उसके बाद अच्छा ही होगा। नेम ऑफ द क्लब इज क्लब काकाटिया, दैट्स द क्लब। चलो भाई अच्छा है, आ गए अपन रोड का एक। प्लीज टेक द एसेंशियल्स बॉडी फॉर मी प्लीज। वहां पे बिल पेमेंट करना एंड हियर सबके लिए है ना सेम प्राइस, सबके लिए सेम। एक्चुअली यहाँ पे ओनली फॉर द मेंबर्स अलाउड, आउटसाइडर्स आए तो इम्पॉसिबल अलाउ करने का, क्योंकि थोड़े बहुत स्विमिंग पूल में प्रॉब्लम हो गया था, होप यू अंडरस्टैंड। तो उसके वजह से वो लोग स्ट्रिक्ट कर दिए। अब हमको तो मिल गया ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग कपड़े रख सकते हैं, अभी यहाँ पे ड्रेस चेंज करके विल सी यू। मैच 6.5 फीट। That was the in-water testing of 12 minutes. बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। अभी क्लोरीन सब डाल रहे, सो मेंटेनेंस सब कुछ चालू हो। बैक को निकाल दिया था। बाय। नहा तो के रेडी हो गए, बॉडी वॉश लाया था मेरा भाई। बट उस जगह करे थे खालू के ना, तो ब्लॉग में दे। प्लीज बिहेव प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉग एट लीस्ट, फॉर गॉड सेक। ओके? नहीं। फिंगर्स क्रॉस कुछ खराब ना हो जाए भाई, वरना लग जाएंगे। 12 seconds later. चालू हो गया, स्क्रीन बराबर है। I'll share a clip of this also in this, तो आप लोग वो भी देख लो। से से कौन था फोन? ये। हाँ, ओके। 1, 2 खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
एक्चुअली स्क्रीन पूरा ब्लिंक हो रहा था, मैं वो कैप्चर करना भूल गया, अभी हो जाता। आई डोंट नो वेदर दिस इज वाटर रेसिस्टेंट और नॉट। फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम हो गया भाई आईफोन 8 का, नाटक बहुत किए। तो ऑल सेट टू गो। Alright, it's time to go now. 6 o'clock in the evening. तो हम लोग actually आए थे 4:45 around entry किए थे। तो 5:45 6 o'clock तक हम लोग बाहर आ गए। Sound testing कर रहे थे। तो मेरे phone में भी speaker में थोड़ा बहुत पानी चला गया था। तो he gave suggestion कि fix my phone करके हुए search किया मैं। Fix my speaker। तो वो search करने के बाद एक sound आएगा। So you need to play that sound and clean the speakers। ऐसे कुछ एयर डाल के या फिर कुछ भी करके निकालो, सब पानी बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिक्स हो गया मेरा। तो इसका भी सेम है, एंड इसका एक ही प्रॉब्लम है कि फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं कर रहा है। डोंट फिक्स द स्पीकर्स, बस फिक्स योर लैंग्वेज। मुझे मौज जाता है यार, पेट चला गया अंदर, शायद होगा नहीं, मश्केर कर रहा हूं। 1 eternity later. All right, back home. उसी दिन निकल गए हम लोग। So now it's time to unbox all these parcels, जो कि मैंने आप लोग को कार में बोला था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं सोचा कैमरा ऑन किया, बट इट वॉज नॉट ऑन। ए बॉक्स पहले मैं अनबॉक्स किया था। दिस इज द बैक फॉर माई फोन 1 mini। पैकेजिंग एक नंबर, केस भी एक नंबर, एंड स्पेक्स आल्सो एक नंबर। एक्चुअली कैमरा के सामने अनबॉक्स करना था मुझे, बट देन चाहिए था मम्मी को, तो अनबॉक्स कर दिया। बाकी का पार्सल सभी अनबॉक्स करेंगे। आज पुलिस वेरिफिकेशन हो गया पासपोर्ट का। इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द पासपोर्ट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग, तो डू चेक आउट माई शॉर्ट। आई विल बी क्लियरिंग फ्यू डाउट्स विच विल इवेंचुअली हेल्प यू डेफिनेटली। तो मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था थोड़ा बहुत, यूट्यूब वीडियो देख लो आप लोगों। चलो अभी पार्सल अनबॉक्स करने ना वो करते हैं, बैक कैमरा पे शिफ्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद दिस टू पार्सल्स, दिस इज माय फर्स्ट नाइका शॉपिंग। यस, दिस इज ब्राइटनिंग फेस सीरम 30 ml फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले। आई नीड टू टेक ए नाइफ। ये भी सेम है ब्रांड केमिस्ट एट प्ले, हाइपर पिगमेंटेशन कंट्रोल फेस सीरम। ये है ब्राइटनिंग फेस सीरम। फिर नेक्स्ट कम्स दिस फ्लिपकार्ट, दिस इज फ्रॉम सिरोना डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू। Even this is from Sirona, this is vitamin C face cream, and these are the 4 products that came when I was not in the home. और उसके बाद में लेंस कार्ड का भी ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया। सो आई नीड टू पोस्ट ए पिक्चर वेयरिंग दोज ग्लासेस, सो यू कैन चेक दैट पोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई थिंक आई नीड टू एंड दिस ब्लॉग हियर ओनली। सो दैट्स फॉर द वीडियो। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस विद दैट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। एज ऑलवेज फिल्म लेके चलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी डेज पर फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चमत्कार करेंगे कुछ।